बैक टू माय चैनल आज की वीडियो क्लास सेवेंथ के लिए है, सेवन है, सेवन स्टार्ट करते हैं इसका करने अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पर मैंने लिंक एड कर दिया इसके प्ले लिस्ट का जिसमें आपको सारे क्वेश्चन वन बाई वन मिल जाएंगे क्वेश्चन टू में हमने करना है सिंपलीफाई तो सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए जो एक्सपोनेंट रूल्स होते हैं उन्हें आपको अच्छे से करना है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे ठीक है तो मैं साथ साथ बताती चाहूंगी कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट रूल सबसे पहले आप समझ लें वैसे बेसिकली ये फर्स्ट रूल नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रूल है कि अगर हमारे पास कोई एक सिंपल वैल्यू लिखी हो बेस और उसके ऊपर पावर हो ब्रैकेट लग के एक बाहर पावर हो मीन्स के एक ही बेस है एक अंदर पावर है एक बाहर पावर है तो हम उसको क्या करते हैं बेस तो एक ही रहेगी ना है भी एक है तो इन दोनों को ना आपस में जो अंदर बाहर पावर थी इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है सो तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया एम एन उसका जो भी आंसर आएगा वो हम इसके ऊपर लिख देंगे अब अगर इसको देखें तो सेम वही हमारे पास चीज आ गई जो, जो रूल में दी हुई है सो यहाँ पे हमारे पास एक बेस है एक अंदर पावर है एक बाहर पावर है तो मैं क्या करूंगी एक बेस लिखते हुए ये जो दोनों पावर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी फोर टू जै एट सो हमारे पास यहाँ आ गया Second है सेकेंड इसका पार्ट है सेम वो भी इसी तरीके से होगा यानी कि इसी रूल से होगा बस हमारे पास बेसिस और पावर चेंज है बेस एक ही रहेगी फाइव और थ्री जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे फाइव थ्री ज फिफ्टीन तो ये हमारे पास आंस आ गया थर्ड इसका पार्ट है सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास अगर ब्रैकेट के अंदर कोई दो या दो से ज़्यादा बेसिस हो और बाहर एक पावर हो तो हम उस पावर को बाकी सब बेसिस के साथ दे देते हैं यानी उन्हें पावर में दे देते हैं लेट करें अगर हमारे पास यहाँ पे है ए बी दोनों तो लिखे हुए हैं और बाहर हमारे पास पावर कुछ भी है एम लेट कर ले तो ये एम जो है ना पहले इसके साथ भी होगा इसके इसकी पावर में भी चला जाएगा और इसकी पावर में भी चला जाएगा ठीक है तो ये चीज को जो है ना देखते हुए हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो नेगेटिव है यानी कि एज इंटीजर है तो मैं, तो मैं क्या करूंगी टू को जो है वो माइनस थ्री के ऊपर भी दे दूंगी मीन के पावर में दे दूंगी फिर ए थ्री पहले मैंने इसको दिया नेगेटिव वैल्यू को फिर ये जो आपको वेरिएबल नजर आ रहा है ए क्योंकि ये नंबर था ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की ना फर्दर पहले से ही एक पावर है तो उसको आपने लिखते रहना यानी कि उसको लिखना आपने इसको स्किप नहीं करना और ये जो टू है ये इसके पास भी चला जाएगा

ये लिखा फिर इस टू को मैंने इस नेगेटिव वैल्यू को भी दे दिया और इस पावर इस वेरिएबल को भी दे दिया माइनस फाइव इसकी पावर आ जाएगी छोटी सी टू ए फोर जो भी पावर है पहले से वो तो लिखनी है ना और बाहर वाली भी अप्लाई कर देनी है अब फिर से यही काम होगा नेगेटिव साइन है बाहर इवन पावर है तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और अब नंबर की बात अगर मैं करूँ तो फाइव टू तो पावर टू मीन्स के फाइव को टू टाइम मल्टीप्लाई किया जाए फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ट्वेंटी फाइव फिर फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होगा बेस एक है एक अंदर पावर है एक बाहर पावर है तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी फोर टू जट फाइव इसका पार्ट है टू ए स्केयर बी स्कीयर थ्री तो इसके ऊपर भी हम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे कि अगर कर जितनी भी हमारे पास बेसिस अंदर हैं विद पावर विदाउट पावर तो बाहर वाली पावर ना उन सब के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है ठीक है उनकी पावर्स के साथ सो so यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर है इसको भी मैं थ्री दे दूंगी फिर ए को दे दूंगी फिर बी को भी दे दूंगी टू रेज पावर टू ए पावर टू पहले से ही था अच्छा ये थ्री आएगा यहाँ पर बाहर जो है ना पावर थ्री है सो ये थ्री पावर जो है वो टू के पास जाएगी टू और ये थ्री पावर बाहर ए की पावर टू पहले से ही है और ये थ्री की पावर इसके बाहर भी चले जाएगी सेम पी की पावर टू पहले से ही है और थ्री जो है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगी अब टू रेस्ट पावर थ्री मीन्स टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करें टू टू जी फोर फोर टू जो एट एट, फिर से रूल अगर हमारे पास बेस एक है एक पावर अंदर है एक बाहर है तो हम क्या करते हैं दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम इसके बाद भी यही रूल अप्लाई होगा टू थ्री सिक्स, टू थ्री सिक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सिक्स इसका पार्ट है वन बाई टू एक्स टू और उसकी होल की पावर में है थ्री

और उनकी पावर जो है वो बाहर लिखी हो दो वैल्यूज हो एक ऊपर लिखी हो एक नीचे लिखी हो यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो एक ही पावर उनकी हो तो हम उनकी पावर्स को ना दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एम सो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड ना भी करूँ डायरेक्टली मैं इनको सोल्यूशन सुलू, सुलू, के अकॉर्डिंग लिख लूँ वन को थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया तो वन टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया तो एट जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे किया था एक्स फिर से टू मल्टीप्लाई बाय थ्री और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया टू थ्री थ्रीजा सिक्स